हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है एक और नए ब्लॉग का। और कल जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारा तो नुकसान हो गया था और आज भी वेदर कुछ वैसा ही है। आसमान ना तो खुला सा तो लग रहा है लेकिन धूप अभी भी नहीं निकली। अभी टाइम 7:34, लेकिन लगता है कि मौसम ना तो आज भी ख़राब ही रहेगा शायद। लेकिन देखते हैं भट्टी पे जाके क्या हो रहा है। वहाँ पहुँच चुके हैं भट्टी पे और आते ही इनको देखो, ये दोनों के दोनों यहाँ घुस गए हैं। और क्या कर रहे हो रे, क्या खेल रहे हो? है लूडो खेल रहे हो? तो इधर गुड मॉर्निंग बोल दो। और इधर दीदी की पेटी लग रही है, मसूरी कर रहे हैं गारे की। उधर से जीजा जी देखो, वहाँ से गारा लेके आ रहे हैं। इधर से रास्ता और यहाँ तक लाना पड़ रहा है अभी। तो गाइस अभी हम सब के सब जा रहे हैं वापस से घर, क्योंकि खाना खाना है। खाना खा के आएंगे और फिर पीछे बनानी शुरू कर देंगे। अभी पेटी वगैरह लगा दी। नको देख, बंदर को देख। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और जीजा जी खाना खाने लगे हैं और इधर दीदी भी है और ये मस्ती कर रहा है। इसको देखो, ओए छपरी मारे मत। आज खाने में क्या बना? और इधर जीजा जी, और आज खाना जीजा जी ने बनाया शायद। गुड मॉर्निंग दोनों को। गुड मॉर्निंग गाइस। इधर जीजा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमने खाना खा लिया है और अब मैं वापस से जा रहा हूँ भट्टी पे, क्योंकि दीदी और जीजा जी तो पहले ही निकल जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। तो अब मैं भी जाता हूँ और फिर पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। अभी शायद ईंटें बनानी शुरू तो कर दी होगी, तो मैं भी जाऊँगा और फिर लग जाते हैं काम। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जीजा जी और दीदी ना ईंटें बनानी शुरू कर दी होगी इनने, और अब मैं भी आ चुका हूँ, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। वैसे आज थोड़ा सा कम है जो पहले बनाते थे कि नहीं, एक दो दिन से जो पहले था वो ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है, तो शुरू हो जाते हैं। काम हो चुका है कंप्लीट, सारा का सारा गारा ना तो हो चुका है फिनिश। और अभी जीजा जी फिर से ना तो कल के गारे के लिए तगार तैयार कर रहे हैं, मतलब कि मिट्टी खींचेंगे यहाँ से और फिर वही एक गोल घेरा बना लेंगे पानी के लिए, फिर पानी छोड़ेंगे ना। तो यहाँ एक मिट्टी की खदान सा एक, जिसमें थे कि ना तो बहुत सारी ये मिट्टी ख़त्म हो जाएगी कि नहीं, फिर और मिट्टी ले आएंगे। लेकिन ये काम बंद नहीं होगा। ये जीजा जी काम कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे ही जाएंगे घर। और दीदी उधर पत्थर वगैरह फेंक रहे हैं, और ये वाली सारी ईंटें ना तो उठानी, टामे बनाने हैं, जिससे कि अगर पानी आए तो ये इन पे भी ये पन्नी ढक सकें। जैसे ये गोल घेरा बना दिया, एक यहाँ है एक यहाँ है और एक वो भैया का, तीन गोल घेरे बनाए हैं और इनमें ना तो आप पानी डालेंगे। सो गाइस अभी शाम हो गई है और अभी का मौसम आप वेदर देख सकते हो, पानी कभी भी गिर सकता है। दीदी आज दाल कहीं की बन रही है? मूंग की दाल। ओपी, तो गाइस मूंग की दाल खाएंगे क्योंकि तुअर की दाल खा के बोर हो चुके हैं। ये क्या है रे, पिंगर खा रहे हो? पिंगर वो मेरे लिए भी रखे, खा जा आजा। अब इनकी मौज है, ये रोएगी, आप देखो ये रोएगी। तू खा ले। तू खा रहा है? चलो खाओ, है ना। तो गाइस मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ और अभी मुझे बाहर जाना है, बाहर नहीं वापस ईंट भट्टे पे जाना है। सारा का सारा गारा कटने के बाद ना तो कुछ ऐसे दिखता है, वो फिर चारा वगैरह डाल देते हैं, फिर उसकी पूरी कटाई होके ना तो चारा वगैरह ऐसे डाल देते हैं और फिर पूरी रात ये ऐसे ही रहता है। फिर सुबह आते हैं, फिर डबल काट काटना पड़ता है मतलब। और कल ना तो किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप ईंटें बनाते हो धूप में तो एक टेंट लगा लिया करो। तो उसका भी जवाब मैं दे ही देता हूँ अभी। टेंट लगा तो सकते हैं लेकिन
वो महंगा भी आएगा और फिर ईंटें ना तो धूप में ही सही रहती है, क्योंकि धूप लगती जाती है कि नहीं तो सूखती रहती है, और एक दिन जब सूख जाती है मतलब कि दूसरे दिन सूख जाती है ना, तो उनको उठा के ऐसे टामे लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो अच्छे से सूख जाए। सो इसीलिए टेंट वगैरह यूज़ नहीं करते और ईंटें बनाते हैं कि नहीं थोड़े टाइम पे ना, तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, तो उसमें टेंट की ज़रूरत नहीं है क्या? टेंट यूज़ भी करेंगे ना तो उसको फिर और उठा के आगे ले जाओ या पीछे करो, ऐसा ऐसा कुछ रहता है। सो हम यहाँ काम करें या फिर टेंट को संभालें, इसलिए टेंट वगैरह कुछ नहीं लगाते, बस ऐसे ही धूप में पूरी की सारी ईंटें बनाते हैं। अभी जो इस पर पानी डाल रहे हैं तो ऐसे कैसे ना, तो कल सुबह भी आके डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये गारा यहाँ से गाड़ियों से यहाँ पर डाला जाएगा। किसी ने पूछा भी था कि ये जो ईंट है इसमें जो केवी लिखा हुआ है, ये केवी क्या है? तो ये भी मैं बता देता हूँ कि केवी ना, तो ये जो जिनके भट्टी है, जिनका ये काम है, उनका नाम है, उनके नाम का पहला अक्षर और उनके सरनेम का पहला अक्षर केवी। जैसे कि यहाँ पर जिनका नाम, जिनका ये ईंट भट्टा है ना, उनका नाम किशोर बिलवे है शायद, हाँ यही है, तो उन्हीं की ईंटें बन रही है, तो उन्हीं का एक लोगो है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ से जाते हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है और फिर ब्लॉग को अपलोड भी करना है। वैसे ना तो काम नहीं होता है कि नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके ना तो ब्लॉग को अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जाते हैं घर, फिर ब्लॉग को अपलोड करते हैं एडिटिंग करके। और वीडियो का एंड करने के लिए रेडी हो चुका है, खाना खा लिया? अरे अब और किस चीज़ के लिए गया है भाई? ये पानी इसमें पीता है तू? स्प्राइट है तो चाय यार, ये पानी भर लेता है उसमें और पीता रहता है दिन भर, इसका यही काम है। तो गाइस, जैसा भी आज का व्लॉग था आपने देखा, बस यही सब कुछ होता रहता है अभी मेरी लाइफ में, तो मैं यही दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। और फिलहाल वीडियो का एंड भी कर देते हैं, और वीडियो का एंड करने के लिए है नक्श। क्या कर रहा है इधर? वीडियो का एंड कर। वीडियो का एंड करना है कर। हमरा बहुत अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे, हमरा चैनल को सब्सक्राइब करे, बाय बाय, बेल आइकन को दबा दे रे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।